आज पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 का पार्ट नंबर, प्रकाश विद्युत प्रभाव का पार्ट 11 पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि इस चैप्टर में कि दो वैज्ञानिक आए थे, एक वैज्ञानिक का नाम था नेलनाल्ड, इसके साथ आया था मिलिकोन। ये दोनों आए थे, इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर क्या किया प्रयोग, क्या क्या प्रयोग किया, इससे संबंधित प्रायोगिक प्रयोग किया, प्रायोगिक प्रयोग किया था, प्रयोग के जो परिणाम है, परिणाम है वो प्राप्त करे था, उनकी क्या की व्याख्या की। पिछले भाग में हमने देखा कि प्रकाश विद्युत धारा किस प्रकार, प्रकाश विद्युत धारा किस प्रकार तीव्रता एनोड के व्यू और आवृत्ति से किस प्रकार संबंधित है। साथ ही दो शब्द आए थे, संदर्भ धारा का आवृत्ति और तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, और दूसरा निरोधी व्यू, निरोधी व्यू का तीव्रता और आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये दो शब्द हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो प्रायोगिक परिणाम के सभी परिणाम की स्पेक्स में व्याख्या करेंगे। जो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या था उससे संबंधित जो प्रायोगिक प्रयोग हुआ था, तो उसके जो परिणामिक सार है, प्रयोग का क्या है परिणामिक सार, यानी जो रिजल्ट था उसका सार देखेंगे आज, क्या क्या रिजल्ट के सार रहे थे। जैसे अब पहला ही आता है कि क्या देखा कि धातु पर क्या देखा पहले में, कि धातु पर जैसे ही एक निश्चित आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतन करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का क्या उठता है उत्सर्जन। जब धातु पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाते हैं, निश्चित आवृत्ति या इससे ज्यादा आवृत्ति का क्या करते हैं प्रकाश, क्या करते हैं आपतित करते हैं प्रकाश, क्या करते हैं आपतित किया हमने, जैसे ही क्या क्या आपतित कर दिया, आपतित हो गया, क्या होगा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित होगा। ये आया तो प्रकाश के आपतन तथा इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में क्या होगी, कोई भी कोई समय पश्चता नहीं होगी, नहीं होगी। मतलब जैसे ही एक निश्चित आवृत्ति ऐसे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराते हैं तो तुरंत ही क्या होगा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। जैसे प्रकाश ये धातु है, जैसे इस प्रकाश आपतित हुआ जिसकी आवृत्ति वी नोट से यानी इसकी दैनिक आवृत्ति से अधिक है, तो वैसे ही क्या होगा इससे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा उत्सर्जन, इनमें जो समय अंतर है वो बहुत ही कम, 10^9 के बाद, प्रकाश के आपतन के तुरंत 10^9 के बाद इलेक्ट्रॉन का क्या होगा उत्सर्जन होगा। ये लेनार्ड और मिलिकन ने जो प्रयोग किया था उसमें एक रिजल्ट आया था, जैसे ही एक निश्चित दैनिक आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाते हैं तुरंत ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन तथा प्रकाश के आपतन में कोई समय नहीं लगता, कोई समय अंतराल नहीं है। एक तो ये था कोई समय नहीं लगता। अब दूसरी बात क्या आई, दूसरी बात जो आई वो थी क्या दैनिक आवृत्ति से संबंधित, क्या थी कि किसी धातु की दैनिक आवृत्ति क्या होती है, वी नोट क्या होती है, निश्चित होती है, फिक्स होती है, पहले से ही निश्चित होती है। मतलब कोई भी धातु है दैनिक आवृत्ति तो उसकी दैनिक आवृत्ति वी नोट का मान निश्चित होता है हमेशा ही, वह चेंज नहीं होता। लेकिन जब उस धातु पर वी नोट से कम आवृत्ति का क्या करते हैं प्रकाश आपतित करते हैं, कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाते हैं, तो क्या होता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या नहीं होगा प्रदर्शित नहीं होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या नहीं होगा प्रदर्शित नहीं होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा था, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा।
ये कि विनोट से कम आवृत्ति यानी दिल्ली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाते हैं तो प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी ज्यादा हो, प्रकाश की तीव्रता कितनी भी ज्यादा क्यों न हो। मतलब प्रकाश की अगर पहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश का आपतन करवाएंगे तो प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा, चाहे प्रकाश की आवृत्ति कितनी अधिक हो, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता बल्कि आवृत्ति पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा या नहीं होगा ये दिल्ली आवृत्ति तय करेगी, न कि तीव्रता। तीव्रता क्या चेंज करेगी, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या को चेंज करेगी प्रकाश की तीव्रता। तो ये दूसरा हमारा परिणामिक सार था कि जो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की जो चीज तय करेगी वो करेगी हमारी आवृत्ति, और जो संख्या इलेक्ट्रॉन की जो उत्सर्जित है वो करेगी प्रकाश की तीव्रता। ये दूसरा था दिल्ली आवृत्ति से संबंधित। अब अगला जो परिणाम क्या निकला, जो उन्होंने क्या देखा वो देखते हैं अब। अब तीसरा आया कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, तीन नंबर जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं यानी फोटो इलेक्ट्रॉन प्रकाश विद्युत फोटो इलेक्ट्रॉन, उनकी गतिज ऊर्जा है वो क्या है। गतिज ऊर्जा सभी फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या नहीं होगी, समान होगी नहीं होगी, ये जरूरी नहीं है समान हो, ये जरूरी नहीं है, मतलब समान नहीं होगी। सभी फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान होनी आवश्यक नहीं है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान शून्य से मैक्सिमम मान यानी मैक्सिमम काइनेटिक के बीच होता है। एक ऐसी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है उससे कम तथा शून्य के बीच होता है। शून्य से लेकर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच कण की गतिज ऊर्जा होती है, जो इलेक्ट्रॉन है फोटो इलेक्ट्रॉन उसकी होती है। ये नहीं, हर फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अलग अलग होगी, है हो सकता है दो तीन की समान हो लेकिन एनर्जी सभी की समान नहीं होगी। जीरो से लेकर एक अधिकतम गतिज ऊर्जा तक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, सतत रूप से वितरण होगा। अब आती है अगला जो परिणामिक सार था, क्या था। तो अगला परिणामिक सार था हमारा निरोधि व्यूह से संबंधित, निरोधि व्यूह से संबंधित। अब प्रायोगिक परिणाम में हमने क्या किया था कि थोड़ के सापेक्ष क्या किया, क्या था कि थोड़ के सापेक्ष एनोड के व्यू को क्या किया था, चेंज, क्या किया था, चेंज, कि थोड़ के सापेक्ष एनोड के व्यू को चेंज कर हम प्रकाश विद्युत धारा को, हम कि थोड़ के सापेक्ष एनोड के व्यू को चेंज करते हैं तो चेंज कर हम क्या कर सकते हैं, प्रकाश विद्युत धारा को, प्रकाश विद्युत धारा को क्या कर सकते हैं, शून्य कर सकते हैं। कैथोड के सापेक्ष एनोड के व्यू को चेंज कर हम प्रकाश विद्युत धारा को शून्य कर सकते हैं। अब आती है प्रकाश निरोधि व्यू की डेफिनेशन, यानी एनोड का कैथोड के सापेक्ष क्या होगा, कैथोड के सापेक्ष, सापेक्ष आएगा यहाँ पर सापेक्ष, कैथोड के सापेक्ष एनोड का क्या होगा, ऋणात्मक व्यू, कैथोड के सापेक्ष एनोड का ऋणात्मक व्यू, जिस पर क्या होगी, प्रकाश विद्युत धारा क्या हो, शून्य हो, उसको उस व्यू को क्या कहेंगे, निरोधि व्यू कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, उस व्यू को, उस ऋणात्मक व्यू को क्या कहेंगे, निरोधि व्यू, यानी वो भी क्या है, न्यूनतम, क्या है, न्यूनतम यानी मिनिमम होना चाहिए पहले पोत, मतलब जैसे ही, मतलब एक धीरे धीरे हम क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे शून्य से, तो धीरे धीरे प्रकाश विद्युत धारा कम होगी, लेकिन जो सबसे पहले आएगा मिनिमम नेगेटिव आएगा, जिस पर पहले पोत प्रकाश विद्युत धारा शून्य होगी, उसको ही निरोधि व्यू कहेंगे। और निरोधि व्यू से और अधिक ऋणात्मक व्यू लगाया जाता है तब भी प्रकाश विद्युत धारा क्या होती है, शून्य होती है, लेकिन हम किसको चुनेंगे, न्यूनतम को।
यानी कि थोड़ के सापेक्ष नोड के न्यूनतम ऋणात्मक व्यूह जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य होती है उसे क्या कहते हैं, निरोध व्यूह। निरोध व्यूह को वी नोड से व्यक्त करते हैं। अब जो निरोध व्यूह का हमने संबंध देखा था कि निरोध व्यूह का संबंध किससे है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से। सीधा संबंध निरोध व्यूह का सीधा संबंध मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से किस प्रकार है ये देखेंगे। ये भी हमने देखा था पहले भाग में, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 एम वी नोट किसके, आई ई वी नोट, क्योंकि वो है ये वी नोट। वी नोट क्या है, विभवांतर, विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश, तो कार्य या ऊर्जा कह सकते हैं, वी क्यू क्यू से गुणा हो जाएगा, तो ये होगी हमारे जूल में मान सकते हैं। तो ये इस प्रकार हमारी मैक्सिमम काइनेटिक निरोध व्यूह किससे संबंधित है, मैक्सिमम काइनेटिक ऊर्जा को। अर्थात निरोध व्यूह क्या करता है, जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन उसको क्या करता है, रोकता है, यही काम है। तो निरोध व्यूह का संबंध क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक ऊर्जा से, ये हमारा आ गया। अब अगली बात क्या है वो देखेंगे, निरोध व्यूह के बारे में ये आगे कि किस प्रकार वह आवृत्ति और तीव्रता पर डिपेंड करता है। निरोध व्यूह है क्या, धारा से संबंधित बता दिया। अब आता है जो हमारा अगला 5 नंबर, निरोध व्यूह का किससे संबंध देखेंगे, निरोध व्यूह है उसका संबंध देखेंगे तीव्रता और आवृत्ति से। निरोध व्यूह का तीव्रता और आवृत्ति से, तीव्रता क्या है, जब बढ़ती है, वृद्धि होती है तीव्रता में, हमने ये पीछे भी पढ़ चुके हैं, जैसे प्रकाश विद्युत धारा का तीव्रता में प्रभाव तब पढ़ चुके हैं, तो वृद्धि करते हैं तीव्रता में तो क्या होती है, फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होती है, फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या वृद्धि होती है लेकिन उसकी गतिज ऊर्जा पर कोई क्या नहीं पड़ता, इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, काइनेटिक एनर्जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उस पर भी कोई नो चेंज, उस पर भी क्या आएगा, नो चेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज, कोई उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन निरोध व्यूह जो वी नोट है वो किससे संबंधित है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से। क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर ई वी नोट, ई वी नोट ये है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, ई का मान तो फिक्स होता है तो वी का मान चेंज नहीं होगा। अर्थात निरोध व्यूह प्रकाश की तीव्रता से कोई संबंधित नहीं है, अर्थात निरोध व्यूह प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, प्रकाश की तीव्रता घटाने और बढ़ाने पर निरोध व्यूह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हमने देख लिया निरोध व्यूह के बारे में। अब जो है आवृत्ति है, आवृत्ति क्या है पता है, हमने देखा क्या देखा कि आवृत्ति है, जब आवृत्ति दैहली आवृत्ति से क्या होती है, जब आवृत्ति दैहली आवृत्ति यानी वी नोट, दैहली आवृत्ति वी आवृत्ति हो गई, तो वी का मान जब वी नोट से क्या हो, कम हो, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित नहीं होंगे तो निरोध व्यूह क्या होगा, अस्तित्व ही नहीं होगा, निरोध व्यूह का कोई मतलब नहीं है। अब वी पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जैसे ही दैहली आवृत्ति का मान, आवृत्ति का मान दैहली आवृत्ति के बराबर कर दिया जाए तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, सिर्फ उत्सर्जित होगा, इलेक्ट्रॉन का सिर्फ क्या होगा, उत्सर्जन होगा, उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, शून्य होगी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, उसकी शून्य होगी, सभी जिसकी होगी, तो सभी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी शून्य होगी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी शून्य है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से सीधा संबंध है निरोध व्यूह का, निरोध व्यूह भी क्या हो जाएगा फिर, जीरो। अब दैहली आवृत्ति को, आवृत्ति का मान दैहली आवृत्ति से अधिक करते हैं तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की क्या है, जो गतिज ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मान लें एक फिक्स ऊर्जा चाहिए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए, 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए मान लो, तो उसको इलेक्ट्रॉन को 13 वोल्ट, अगर उसको 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी जाती है तो 13 तो उसको निकालने में लग जाएगी और जो अधिक है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो है बढ़ जाएगी। अगर हम अधिक ऊर्जा का जो आवृत्ति बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है उस फोटोन जो प्रकाश उसकी, तो अधिक आवृत्ति का अगर हम 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का करेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 13 घटा देंगे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, तो क्या होगा,
काइनेटिक एनर्जी में क्या हुई, वृद्धि। तो इसका मतलब है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि हुई तो वी नोट बराबर क्या हो गया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अपॉन ई। ई का कोई मतलब भी नहीं है वैसे तो, ई एक कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और वोल्ट का में क्या सीधा संबंध है, तो काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वी नोट क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा। अर्थात निरोधी विभव आवृत्ति पर निर्भर करता है, निरोधी विभव आवृत्ति के साथ रैखिक रूप से बढ़ता है, निरोधी विभव आवृत्ति से रैखिक रूप से बढ़ता है। ऐसे यहाँ वी नोट है दिल्ली आवृत्ति, ये हमने देख लिया निरोधी विभव का। अब आती है संतृप्त धारा की अंतिम 6 नंबर टॉपिक, संतृप्त धारा किस प्रकार आवृत्ति और तीव्रता पर निर्भर करती है। एनोड व्यू पर हमने, इलेक्ट्रॉन व्यू पर हमने देख लिया था पहले ही कि एनोड व्यू जैसे जैसे धनात्मक की ओर बढ़ाया जाता है, शून्य किया जाता है तो कुछ धारा होती है शून्य से अधिक, लेकिन जैसे जैसे एनोड व्यू को और धनात्मक किया जाता है धारा का मान बढ़ता है और एक फिक्स मान पर धारा का मान क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, संतृप्त धारा। क्या कहते हैं, संतृप्त धारा कहते हैं। अब नोड व्यू को नेगेटिव किया जाता है तो धारा का मान क्या होता है, कम होता है, और निरोधी व्यू पर क्या हो जाता है, धारा शून्य हो जाती है। अब आती है संतृप्त धारा की। अब एनोड व्यू को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है तो प्रकाश विद्युत धारा का मान में वृद्धि होती है, लेकिन जब सभी फोटो इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद व्यू बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस अधिकतम प्रकाश विद्युत धारा को ही संतृप्त धारा कहते हैं। अब संतृप्त धारा का सीधा सम देखेंगे, किससे देखेंगे, तीव्रता से देखेंगे और आवृत्ति से। तीव्रता और आवृत्ति से किस प्रकार संबंधित है, तीव्रता यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो संतृप्त धारा जो धारा वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर के समानुपाती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, धारा बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो एनोड तक पहुंचेंगे उनकी संख्या बढ़ेगी तो क्या होगी, धारा भी वृद्धि होगी। अर्थात प्रकाश की तीव्रता, संतृप्त धारा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, तीव्रता बढ़ाने पर संतृप्त धारा का मान बढ़ता है। अब आती है आवृत्ति। आवृत्ति क्या करती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को क्या करती है, यानी काइनेटिक एनर्जी को क्या करती है, वृद्धि करती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं, बस क्या है, पहले कम आवृत्ति है तो सभी इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, लेकिन थोड़ा समय है सभी इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, अधिक गतिज ऊर्जा होगी तो भी सभी इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, तो इलेक्ट्रॉन तो सभी पहुंचेंगे ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई चेंज नहीं हुआ, अर्थात संतृप्त धारा आवृत्ति पर नहीं निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती। अर्थात संतृप्त धारा तीव्रता के पर निर्भर करती है, बढ़ाने पर तीव्रता बढ़ाने पर संतृप्त धारा बढ़ती है, लेकिन आवृत्ति के घटाने बढ़ाने पर संतृप्त धारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब ये पूरा परिणामिक सार हमने पढ़ लिया, जो लेनार्ड और मिल्कन ने जो प्रयोग किया था उसका सारा रिजल्ट देख लिया, अब इसकी आगे व्याख्या करेंगे।